ये बड़ी जानकारी देखिए, अलवर तिजारा सीट और तिजारा का सितारा बनते हुए बाबा बालकनाथ नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी उनके प्रचार के लिए पहुंचे थे और ऐसे में मध्य प्रदेश पर जरा नजर डाल लीजिए। मध्य प्रदेश में आंकड़ा और बढ़ता हुआ, बीजेपी तेजी से बढ़त बनाती हुई। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बड़ा बयान भी आ गया है, हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को अपनी जीत का पूरा भरोसा, नतीजे बल्ले बल्ले बीजेपी के लिए नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। और कांग्रेस कांटे के मुकाबले में छत्तीसगढ़ में बीजेपी के साथ फंसती हुई नजर आ रही है। जादुई आंकड़े से कांग्रेस पार्टी नीचे खिसक गई है और बीजेपी कांग्रेस को घेरती हुई छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रही है। लेकिन जल्दी से मध्य प्रदेश के जो आंकड़े हैं, शिवराज सिंह चौहान अपनी जीत को लेकर आश्वस्त, लाडली बहना योजना आधी आबादी का कमाल है। बिल्कुल, लाडली बहन योजना एक बहुत गेम चेंजर के रूप में साबित हुई है और भले ही आगे कुछ भी हो, लेकिन एक योजना के तौर पर ये बहुत ही अच्छा इसने कमाल किया है। जाति से उठकर ऊपर महिलाएं जो है वो शिवराज सिंह चौहान मामा भैया को वोट देती हुई लग रहा नजर आ रही। इन आंकड़ों से तो लग रहा है कि वो है, पर ये सवाल ये उठता है कि क्या मोदी जी फिर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान की योजना या फिर मोदी का चेहरा क्या काम कर रहा है? माना जी, मैंने आपके ही चैनल पे कहा था कि कोई एक फैक्टर नहीं होता है, सोशल एम्पावरमेंट जो होता है और सेंटर। लेकिन बड़ा फैक्टर क्या है? बड़ा ऑब्वियस है कि जो पूरा सारा काम। बड़ा फैक्टर क्या है? बड़ा फैक्टर महिला वोट है, जो 2.19% बढ़ा है 2018 से, इस बार सबसे ज्यादा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज बढ़ा इस बार, पिछली बार 75% था, इस बार 77% से थोड़ा ऊपर गया। और ये महिला वोटर जो ऐसा लग रहा है भैया को आशीर्वाद देती हुई बीजेपी बढ़त बनाती हुई मध्य प्रदेश, भैया को आशीर्वाद देगी, भैया को तख्त पे ले जाएगी और वही भैया 24 तक मतलब कम से कम मुख्यमंत्री तो बनेंगे भैया। मुझे लगता है ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, शिवराज सिंह चौहान को ताज मिलेगा या नहीं। लेकिन कमलनाथ वॉर रूम में, कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ वहां पर मौजूद है, वॉर रूम में बैठे हुए हैं। हमने देखा था वोटिंग वाले दिन भी कमलनाथ की इसी तरीके की तस्वीर सामने आई थी और आज काउंटिंग वाले दिन भी कमलनाथ जो है मंथन करते हुए। फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी जबरदस्त अंदाज में लीड लेती हुई, बीजेपी 133, कांग्रेस 93, बीजेपी तेजी से बढ़त बना रही है मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में खेल हो गया है कांग्रेस के साथ, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बढ़त बना रही है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 40 पर पहुंच गई है, कांग्रेस को जादुई आंकड़े से पीछे धकेल दिया है। बीजेपी 40, कांग्रेस 38, छत्तीसगढ़ में तस्वीर बदल गई है। बघेल मॉडल, क्या उसकी काट बीजेपी को मिल गई? क्या ये नतीजा अब इसी तरीके से रहने वाला है? क्या यही ट्रेंड नतीजे में बदलेंगे? इसी को लेकर अभी भी दिलचस्पी बनी हुई है। और राजस्थान में सब कुछ सेटल नजर आ रहा है, छत्तीसगढ़ में बघेल मॉडल घिरा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अभी कहने ही जल्दी है, लेकिन अगर आप देखें चुनाव आयोग तो उसमें कांग्रेस आगे है 3-1 से बीजेपी को। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 40, कांग्रेस 38, मामला बराबरी का है, लेकिन अंत में आप देखिएगा भूपेश बघेल की बढ़त रहेगी। कांग्रेस आप कह रहे हैं ट्रेंड में आगे आ जाएगी, लेकिन राजस्थान में मामला सेटल, बीजेपी कंफर्टेबली बढ़त। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर बढ़त में रहेगी। बजर बजर, चलते हैं अखिलेश के पास। एबीपी न्यूज के काउंटिंग सेंटर में लगातार जो डेटा है वो बदलता हुआ, नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। तेलंगाना छत्तीसगढ़ से क्या अपडेट है? तेलंगाना से बड़ी अपडेट, मोहम्मद अजहरुद्दीन पीछे हो गए, जुबली हिल सीट से, और केटी रामाराव जो कि मिनिस्टर है, सन बेटे भी हैं मुख्यमंत्री के, वो आगे चल रहे हैं सिरसिल्ला सीट से। ये दो बड़ी चीज। इस पे एक मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगा, अजहरुद्दीन का पीछे हो जाना अभी फिलहाल क्या बता रहा है? मैं तो ये कहूंगा अभी भी पोस्टल बैलेट है, कुछ कह नहीं सकते। अब तो ईवीएम खुल गया है, खुल गए हैं, अभी टाइम लगेगा क्योंकि बहुत कांटे की टक्कर है, कभी भी कुछ भी हो सकता, बदल सकता है, कुछ भी बदल सकता है जी। राजस्थान से क्या बड़ी खबर यह है कि विधानसभा स्पीकर राजस्थान की सीपी जोशी पीछे चल रहे हैं राजसमंद की नाथद्वारा सीट से, और इसी तरह के राजेंद्र राठौर विपक्ष के नेता तारानगर से सीट से जो है पीछे चल रहे हैं। इसका कुछ खास मतलब निकाला जाए, बिटवीन द लाइंस क्या पढ़ सकते हैं इसे? बहुत साफ है, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान की सीटों को अगर आप देखेंगे तो सचिन पायलट के गढ़ में अगर कांग्रेस पिछड़ रही है, सात जिलों के भीतर 39 सीटें हैं, पिछली बार 25 सीटें कांग्रेस लेके आई थी, वहाँ अलवर में, दौसा में, और अलवर में एक महत्वपूर्ण बात यह है अखिलेश जी कि वहाँ 10% तक मतदान बढ़ा था, तो ध्रुवीकरण की जो बात हो रही थी वो भी साफ तौर पर नतीजों में रुझानों में दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में कुछ मामला बदलता हुआ नजर आ रहा है, चलते हैं रोमाना के पास। मामला फंस गया है आकाशवाणी, छत्तीसगढ़ में रुझानों में मामला फंसता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में मामला फंसा हुआ है, बिल्कुल बराबरी पर मामला आकर अटक गया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 44 और कांग्रेस 45, मतलब वो जो माना जा रहा था कि बहुत ही आसान और बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में मिल सकती है, शुरुआती रुझानों में ऐसा नहीं है। बीजेपी 44, कांग्रेस 45, मामला बिल्कुल बराबरी का छत्तीसगढ़ में। आंकड़ा देखिए किस तरीके से फंसा हुआ नजर आ रहा है, ये इतना करीबी मामला छत्तीसगढ़ में जाना है की उम्मीद थी? आपने कहा था ना कि 28 सीटें फंसी हुई हैं, हमें लगता है वो 28 सीटों में से कई सीटें जो है कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित ना हो। तो मतलब शाम तक जब तक तस्वीर साफ नहीं होगी मामला इसी तरीके से फंसा हुआ नजर आएगा।
थोड़ा इंतजार करना होगा छत्तीसगढ़ के मामले में, वहाँ पर संघर्ष काफ़ी दिखाई पड़ रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि भूपेश बघेल की जो छवि यहाँ पर मीडिया के जरिए बनाई गई है, वो हो सकता है कि वहाँ पर उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़े। बिल्कुल, भूपेश बघेल में दम या बेदम? नहीं, दम तो है उसमें, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं वहाँ पर। भूपेश बघेल के साथ में उनको सरगुजा जो अंबिकापुर वाला जो इलाका है, टीएस सिंहदेव वाला, लेकिन यहाँ पर तो लग रहा है बीजेपी पूरी तरीके से टक्कर दे रही है छत्तीसगढ़ में टक्कर दे रही है। और यदि इसके बाद भी भूपेश बघेल सरकार बनाते हैं तो वही बात होगी, बीजेपी ने बहुत देर कर दी आते आते। बजर काउंटिंग सेंटर, एबीपी न्यूज का काउंटिंग सेंटर लगातार लाइव अपडेट्स दर्शकों तक हम यहाँ से पहुंचा रहे हैं। क्या जानकारी अभी और मिल रही है आपको? बहुत दिलचस्प जानकारी है मेरे पास। नीमच, जहाँ से पिछली 3 बार से बीजेपी जीतती आई है, वहाँ से कांग्रेस आगे हो गई है। नीमच में कांग्रेस आगे हो गई। एक और अपडेट, सीधी 4 सीटें हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।